देखिए आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिसमें कि राजनीति करना मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा। ये समाज के उस वर्ग से जुड़ा हुआ है जिसकी मदद करना किसी भी राष्ट्र के लिए अनिवार्य है। एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटीज अमंग इक्वल्स, बराबरी बराबर वालों में होती है, और इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन का जो है कॉन्सेप्ट चालू हुआ था, और आरक्षण जो है उसी सोच का जो है एक प्रतिबिंब है। समाज का वो वर्ग जो कि सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ है या जो कि शैक्षिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, उसके लिए जो है आरक्षण रखा गया था। और देखिए इसका कितना बड़ा फायदा रहा, जो समाज, अगर आप जिस समय देश आज़ाद हुआ था तब की समाज की कल्पना और आज के समाज की कल्पना करें तो आप देखेंगे कि इस आरक्षण ने इन जातियों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाके ना केवल बराबरी दी, हिंदुस्तान की तरक्की के का भागीदारी बनाया और हिस्सेदारी दी है। तो जब बराबरी तो दे दी गई है तो खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्या रखी, मैं वो बताएं, सुनिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्टता से चीज कह रखी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो नहीं सकता। जब तक कि यह स्थिति में परिवर्तन ना हो जाए तब तक किसी और आधार को इसमें जोड़ना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिन जातियों को, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो या पिछड़ी जाति हो, उनको आरक्षण दे रखा है और वो आरक्षण जो है 50% पूरा हो है। तो जब तक कि कोर्ट से या किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जाए तब तक आर्थिक रूप यानी या किसी और रूप आप दो बातें कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने जो बात कही पहली चीज उनको नहीं कहनी चाहिए थी जो आपकी बात से समझ में आ रहा है, दूसरा कि महाराष्ट्र में ये जो आंदोलन हो रहा है आरक्षण को लेकर वो आपकी सरकार नहीं दे पाएगी अनलेस एंड अंटिल कोर्ट से कुछ आए। मैंने आपसे कहा कि जो आंदोलन हो रहा है उसमें जो भी व्यवस्था होगी वो उस 50% से आगे होने, पहले से ही 52% ये जो मांग कर रहे हैं उसमें 75% पहुंच जाएगा। तो आप जो कह रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि आप नहीं दे पाएंगे महाराष्ट्र में आरक्षण? नहीं, अब उसमें इसीलिए वहां की सरकार ने इस सारे विषय को जांच करने के लिए और इसका समाधान निकालने के लिए अलग अलग प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है संवैधानिक सीमा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 50% का जो सीमा लगाई थी तब ये था कि जो ऑलरेडी हो चुका है जिन जिन स्टेटों में वो तो वही रहेगा, लेकिन किसी नए राज्य में या किसी नई व्यवस्था में अब और आगे नहीं हो सकता 50% नहीं हो सकता। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है, वहां तो 70 मोहन भागवत भी। अक्षय जी पहली बात तो ये करी कि इसको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से जोड़ के देखना मुझे लगता है एक बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण रहेगा। सर ये वोट बैंक की राजनीति शुरुआत से ही बना हुआ है, इसीलिए इसको जोड़कर देखा जाएगा। साक्षी जी मैं अपनी बात कह दूं थोड़ा सा, मेरा मानना है कि इस देश की आजादी से सबसे बड़ी अगर आज तक की उपलब्धि है तो वो ये है कि जो समाज जो था जिसमें इतना बड़ा एक अत्याचार एक वर्ग के साथ होता था, फ्रॉम अ अनजस्ट सोसाइटी वी हैव बिकम अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। ये इतना बड़ा अकम्प्लिशमेंट है इस देश का, ये किसी भी इकोनॉमिक अकम्प्लिशमेंट से बहुत बड़ा है। आप सही कह रहे होंगे, लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है और नितिन गडकरी ने जो बोल दिया था वो सब गलत था? मेरे साक्षी जी मैं मेरी बात सुन रही हूं। नहीं नहीं, नितिन जी की बात तो बताइए ना सर, क्योंकि आप उनसे अलग बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि नितिन जी ने जो गरीबी के आधार पर आरक्षण की बात कही वो गलत थी? आप अपना स्टैंड बताइए, पार्टी का स्टैंड क्या है इस पे? मैंने तो आप मेरी बात तो सुनिए ना, मैंने आपको पहले बताया कि जहां तक कि वर्तमान आरक्षण का सवाल है, देखिए अपवाद को लेके व्यवस्था को आप जो है डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, अपवाद होगा लेकिन व्यवस्था में भी आज भी इस वर्ग में पिछड़ापना है, इसके खिलाफ भेदभाव है और इसको पूरा करना है। तो जहां तक वर्तमान व्यवस्था का सवाल है वो है। दूसरी बात यह है कि हाँ, समाज के अंदर जो गरीब है, जिसके पास रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा इक्वालिटी इज अमंग इक्वल। तो यही तो नितिन गडकरी कह रहे थे, इक्वल नहीं उसकी। लेकिन क्योंकि
सुनिए आगे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लें जरा सा प्लीज। लेकिन क्योंकि आज के दिन जो संवैधानिक व्यवस्था है उस व्यवस्था की अपनी सीमा है, उस सीमा में यह संभव नहीं है। और क्योंकि जो चीज संभव नहीं है उसकी बात करने से अभी फायदा क्या है सर, कई मुद्दों में अलग अलग सीमा नहीं दिखाई देती, लेकिन इस मुद्दे पर आपको संवैधानिक सीमा दिखाई देती है। मैं तो यहाँ बता दीजिए, नितिन गडकरी ने गलत कहा, बोल दीजिए। नितिन गडकरी जी ने कहा कि सरकार ऐसा, नितिन गडकरी ने गलत कहा, गरीबी के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने कहा कि सरकार ऐसा सोचती है, तो बोलने के बाद मना किया ना सर, हम लोग तो उनका पहला पहला बयान भी देखेंगे ना उनके, तभी तो मैं जानना चाह रही हूँ कि क्यों बैक ट्रैक किया गया, पर ये संभव नहीं है, क्यों उनका बयान वापस लेना पड़ा उनको। बैक ट्रैक कुछ नहीं है, क्यों उनका बयान उनको वापस लेना पड़ा, ये क्या मजबूरी है चुनाव की व्यवस्था। हाँ, बिकॉज उसको तोड़ मोड़ के ये दिखाया गया कि आज वो ये कह रहे हैं कि जिनको मिला हुआ आरक्षण उनको खत्म करके उसकी जगह ये आधार बना दो, इसलिए उन्होंने क्लेरिफाई कर देते हैं कि मतलब उनका ये था कि जी गरीबों को मिलना चाहिए, कि जिनको मिला हुआ है। उन्होंने तो इसको बड़े ठोक के क्लैरिफाई करा है, आप उनका ट्विटर मैं अभी कर रहा हूं ना आपको, उन्होंने ठोक के कहा है कि आप ट्विटर पे देख लीजिए ऐसा जगह कि जिनको आज के दिन आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए, उन्होंने ठोक के कहा और जान पूछ के एक ये इसमें वो करी जा रही है, जान पूछ के खेल करा जा रहा है कि उनके बयान को तोड़ के ये भ्रम पैदा कर दिया जाए कि नहीं वो जो है वर्तमान आरक्षण के विरोध में है, जो कि गलत है बिल्कुल। तो अभय दुबे आपकी पार्टी का क्या? नहीं साक्षी जी, मुझे तो आपका जो ये कहावत थी वो बड़ी अच्छी लगी, वाकई एक सत्य था कि वी डोंट कास्ट आवर वोट, वी वोट आवर कास्ट। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 2005 के बाद जो है ये 1990 से चालू होकर 2005 के शतक के बाद ये जो है इसमें परिवर्तन आया। कास्ट महत्वपूर्ण है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है राजनीति में। द पॉलिटिक्स ऑफ होप सुपरसीड्स ही कॉल पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, दी पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी, दी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये जो है ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है जाति के से। अबे दुबे लास्ट 10 सेकंड्स। जाति भी अपने आप में इस देश का एक सत्य है, प्रश्न है।